अरे सामने हटो, अरे हटो भाई, वो नजीक चलेगा। अभिषेक सर, सर बांबू से छुप गया सर। अंदर चले जाओ ना, उधर जाओ सर, उधर जाओ। अरुण मेरा माइक का केबल पकड़ के रखो, केबल केबल सर सर सर। भाई तू कैमरा अनुज से थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे रख के। आप लोग भी ये सब करना घर पे? सर हम लोग डेली कर रहे हैं। डेली कर रहे हो? हाँ, अभी तक हमारे पास रिवॉर्ड में यूज कर रहे हैं। अच्छा काम है ना, सब लोग को करना चाहिए। अभिषेक जी कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ब्यूटीफुल इनिशिएटिव के साथ आप जुड़े हुए हैं। देखा हमने कि मोटे जी बहुत ही दिल से जुड़े हुए, जब से तूफान आया बहुत सारे पेड़ गिर गए ना आपके घर के ठीक सामने, क्या फील करते हैं आप? आज आपने पेड़ लगाया ना किसी का पौधा भी जी। सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे मुंबई के BMC को बधाई देना चाहूँगा कि इतने अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये जो अडॉप्ट ट्री जो विश्वास मोटे जी ने शुरुआत की है इसकी, जिन्हें बधाई देना चाहूँगा, कॉम्प्लीमेंट्स। जब ये जो तूफान आई थी तो ढेर सारे जो पेड़ थे वो गिर गए थे। अडॉप्ट ट्री एक अच्छी इनिशिएटिव है जिसमें हमारे जितने भी सिटीजन हैं हम एक ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं, एंड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड मेक मुंबई ग्रीन अगेन। इट्स अ फैंटेस्टिक इनिशिएटिव और मैं अपना पूरा सपोर्ट, अपने परिवार का सपोर्ट देता हूँ उसमें।
आज हमने एक नीम का पेड़ जो है वो लगाया है, और यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी फेलो सिटीजंस हैं वो भी आगे आए और ऐसे ही काम करें। और अगर एनी एडवाइस के लिए विश्वास मोटे जी को फोन करें, वो ही इज वेरी हेल्पफुल। ही हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द टाइफून। हमारे घर के पीछे एक पेड़ जो था वो गिर गया था, तो उन्होंने बहुत मदद की थी हमारी। एंड द बीएमसी हैज बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट द लास्ट 1.5 वेरी ट्राइंग ईयर्स। We forget to acknowledge the great work that the BMC and all the frontline workers have been doing. They relentlessly and tirelessly work 24 hours a day so that we can lead a safe life. So many congratulations, but most of all, a big thank you to all the frontline workers and the BMC workers. Abhishek, how does it feel when you come for a social cause? This is also like going green, and there are lots of work you've been doing during the pandemic, like, and the entire family has been doing it. What have you to say for this? I don't like this word social cause. I feel this is our civic duty. When you make it a social cause, it becomes something that you're doing which has got a charitable connotation to it. This is our duty as citizens of Earth. I think to plant more trees is our civic duty. Apart from just the beautification, it has wonderful impact on the environment. I think we're all seeing the adverse effects that global warming is having, and one of the ways around that is to plant more trees and do whatever we can. We're very quick to always ask, what is the government, what are the powers that be doing for us? We always forget to ask, what can we do to be a part of the solution? What can we do to help our government? This is one such initiative. If there is place, please get in touch with your ward officers, with your ward assistant commissioners, like Moteji is our assistant commissioner in K Ward West. Get in touch, they will guide you. Try and plant as many trees as you can. Be as responsible a citizen as you can. अनुष्का, कितनी हौसला अफजाई होती है जब अभिषेक जैसी शख्सियत ये कहती है कि सोशल कॉज नहीं है, सब सिविक ड्यूटी हमारी जिम्मेदारी है, और कितनी दूर तक बात पहुंचती है समबडी लाइक अभिषेक यू नो टेकिंग दिस कॉज। सी, फर्स्ट इंस्पिरेशन इन माय लाइफ इज मिस्टर विश्वास मोदी। मतलब झाड़ गिर गए वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ झाड़ देखते, बोलते बीएमसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमसे पहले मुहिम उठाई कि टू गेट फॉरवर्ड, ही केम टू अस, टुगेदर वी आर मेकिंग अ डिफरेंस एंड द सिटीजंस आर जॉइनिंग इन बिकॉज इट्स हिज इनिशिएटिव। एंड समबडी लाइक अभिषेक बच्चन comes out and talks about it, and it makes a very big difference because people start following him. Singers like her start singing and talk about environment. It makes a difference to the environment. People like Abhishek Bachchan are the people who are making a difference to our society, because जब हमारी हाथ मिट्टी में लगती है ना, तो लोग जनता खुद ही अपने हाथ मिट्टी लगाने लगते हैं और अपना environment और green हो जाता है। मैं हमेशा की तरह पहले विकास को thanks कहूँगी and second अभिषेक जी को, मैम को, कि आप ये मुहिम चला रहे हो। और मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं इस मुहिम में कहीं ना कहीं एक पार्ट का एक हिस्सा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम मुंबई नहीं पूरे इंडिया को ग्रीन बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, घरों से बाहर आकर एक एक पेड़ एटलीस्ट लगाना चाहिए। अभिजीत, द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग, द एंटायर बिजनेस इज सफरिंग, स्पेशली द टॉकिंग अबाउट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बहुत लॉसेस हुए, क्या कहना चाहोगे? मतलब ये हाउ डू इट रियली फील लाइक यू बीइंग अ part of the industry actually, how does it really feel when this sort of like situation aati hai? It's a very difficult situation for everybody. We should not divide and say for just the Hindi film industry. All of us are going through a very difficult time, but even in times like this, humanity has to shine through, and we have to stand up and do whatever is possible within our own capacity to help our fellow brothers and sisters out. And I think today's initiative of planting a tree is a step in the right direction. Sir, we cannot let you go without talking. You need to tell us your thoughts. आप इधर आइए सर, आप इधर। आज 17 जून है, 17th मई को जो साइक्लोन तौकते आया था, तो मैंने जैसे सर को बता रहा था, सर ने भी बताया, हमारा काम को एक्नॉलेज किया। लगातार 4 दिन हम लोग खाली रास्ते क्लियर करने में ही लगे हुए थे, तो उस टाइम में इसको ये जो लॉस एनवायरनमेंट का हो रहा है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, तो अर्बन गवर्नेंस अपने जगह पे है एंड अर्बन एनवायरनमेंट अपने जगह पे, लेकिन ये दो डिसिप्लिन अपने अपने चलने से अच्छा है कि इसको इंटरकनेक्ट कैसे किया जाए। तो इंटरकनेक्ट करने में ही हमको मेगा मेक अर्थ ग्रीन अगेन अनुषा मैम हमको मिल गए इस कैंपेन में, शान जी मिल गए वृक्ष नर्सरी से, और यहाँ ये जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें खाली यही है कि सेंस ऑफ ओनरशिप लानी है, बाकी तो लॉजिस्टिक बाकी सब बीएमसी हम कर ही रहे, हमेशा ही करते रहेंगे। लेकिन नियर बाय रेसिडेंट्स, जब सर ने जितना बताया कि इट्स नॉट अ सोशल कॉज, इट्स अ सिविक ड्यूटी, तो ये दो वर्ड्स सुनने के लिए सर हम तरस रहे हैं, क्योंकि वी आर स्ट्रगलिंग टू सर्व द सिटीजन्स एवरी नाउ एंड देन। तो ये सर्व करते समय जब
आप जैसे टीम हमारे साथ आती है सामने तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, तो हम ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। लेकिन अर्बन एरिया में स्पेस कम है, मेरे एरिया में स्पेसेस थोड़ा कम है, इसलिए हमने ये अडॉप्ट कर लिया कैंपेन की अडॉप्ट अ वॉलंट्री पिट एंड बी अ गार्डियन ऑफ ग्रीन। तो इसमें यही है, जो रेसिडेंट नज़दीक के रहते हैं उन्होंने उसको बच्चे की तरह पालना है, संभाल के लेना है। कभी पानी कम पड़ता है तो कमी कुछ बाकी रहेगा तो हम तो है ही, लेकिन यही है। अभी अभिषेक सर जब भी जाएंगे तो उनके दिमाग में हमेशा बैक माइंड में रहेगा ये नीम ट्री मैंने लगाया है। तो वो जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप आज उन्होंने लिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद देना चाहूँगा। विश्वास जी, कितना कितना हौसला अफजाई होती है जब अभिषेक जैसी शख्सियत पैदल चल के आ रहे हैं, पेड़ हाथ गंदे हो रहे हैं, लेकिन पेड़ उन्होंने, हमने कई बार बोला कि आप दे दीजिए, बोले नहीं मैं पकड़ के रखूंगा। अरे आपको क्यों लगता है कि हम ये रोज नहीं करते? Why do you want to waste? And because if something is walking distance, you should walk or cycle. Let's help, help not pollute and help conserve the environment. और पेड़ तो हम लोग रोज, गार्डनिंग तो हम लोग रोज करते हैं हमारे घर में। सर को मैंने जब अभी ब्रीफ करना चाहा तो सर को मैंने ही पूछा कि सर कैसे जाना है, तो सर ने वो मेरा सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले अपने को पैदल ही चलना है नज़दीक, तो इससे समझ में आता है डाउन टू अर्थ हमेशा रह के अपने को नेचर के साथ काम करना है। तो सर ने ये भी बताया कि जब भी ऐसा रहेगा मेरे टीम को हौसला बढ़ाने के लिए, आप जैसे लोगों को साथ में लेने के लिए, ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर दैट एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर दैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। द इंडस्ट्री इज मूविंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, योर लूडो एंड वी टॉक अबाउट दैट लेटर, वी हियर टू टॉक अबाउट दैट। एंड वन मैसेज ऑन गो ग्रीन एंड कोविड की, आई विश ऑल ऑफ यू गुड हेल्थ एंड योर फैमिली इज गुड हेल्थ, प्लीज स्टे सेफ, कीप योर मास्क ऑन इफ यू आर गोइंग आउट एंड गॉड ब्लेस एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। सर वन पिक्चर लेंगे, विश्वास जी तो टीम के साथ भी एक पिक्चर कर लेंगे ना, वहां पे फ्रेंड के पास। हां थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। सर एवडे महीने देते।